राज्यसभा में आज दोपहर 12 बजे पेश होगा नागरिकता संशोधन बिल। बीजेपी को बिल पास होने की उम्मीद, मगर बेहद कम होगा अंतर। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुखों को लिखी चिट्ठी। विपक्षी पार्टियों को लुभाने की कोशिश में कांग्रेस। लोकसभा में शिवसेना के बिल के समर्थन से कांग्रेस नाराज, शिवसेना को भी मनाने की कर रही है कोशिश। बीजेपी को राज्यसभा में 124 से 130 वोट मिलने का अनुमान। राज्यसभा की कुल संख्या इस वक्त 240 है। पशुपेश में है उग्र हिंदुत्व वाली पार्टी शिवसेना। नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष में वोट नहीं करती तो खिसक सकता है वोट बैंक। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में असम और त्रिपुरा में प्रदर्शन। असम में छात्रों ने रखा 12 घंटे का बंद। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट में आगजनी। लोकसभा में बिल पास होने पर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने ढोल बजाकर किया खुशी का इजहार। कहा, नागरिकता नहीं होने से दर दर भटक रहे थे। समाजसेवी अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार पर की तीखी टिप्पणी। पूछा, क्या मलाईदार मंत्रालयों को लेकर खींचतान की वजह से नहीं हो पा रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार। जेएनयू देशद्रोह मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से लटका हुआ है मामला। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई रहेगी जारी। याचिका में 370 हटाना बताया गया है असंवैधानिक। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो PSLV-C48 आज शाम 3:25 पर करेगा लॉन्च। RISAT-2BR-1 और 9 दूसरे देशों के उपग्रह को स्थापित करेगा कक्षा में। RISAT-2BR-1 के अंतरिक्ष में तैनात होने के बाद भारत की राडार इमेजिंग की ताकत में होगा कई गुना इजाफा। दुश्मनों पर नजर रखना होगा ज्यादा आसान। इसराइल के 3 स्कूली छात्रों का डिजाइन किया डूची फैट 3 भी पृथ्वी की कक्षा में किया जाएगा स्थापित। 17 और 18 साल के छात्रों ने अर्जीलिया साइंस सेंटर और अपने स्कूल के साथ मिलकर बनाया है उपग्रह। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ा। आज दिल्ली का AQI 345 है, जो बहुत खराब है। नोएडा में प्रदूषण का स्तर 405 पहुंचा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ठिठुरती ठंड के चलते स्कूल बंद। भारी कोहरे के कारण कश्मीर से चौथे दिन भी सभी उड़ानें रद्द। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत टॉप 10 देशों में शामिल। 57 देशों की लिस्ट में भारत ने पहली बार टॉप 10 में जगह बनाई। गुजरात दंगे पर बन विधानसभा में पेश होगी रिपोर्ट का पहला हिस्सा। 25 सितंबर 2009 को पेश किया गया था। गुजरात के वडोदरा में महिलाएं अपनी रक्षा खुद करने की ले रही हैं ट्रेनिंग, सीख रही हैं मार्शल आर्ट के गुर। नए अवतार में दिखे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप। ट्विटर अकाउंट पर शेयर की तस्वीर। कार्यकारिणी बैठक में लिया हिस्सा। RJD प्रमुख लालू यादव की बेटी और पूर्व सांसद मीसा भारती के पति शैलेश कुमार को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। विदेश जाने की मांगी इजाजत। 8,000 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद करने का आरोप। दिल्ली अग्निकांड के मृतकों का शव बिहार पहुंचा। मंगलवार को 9 शव पहुंचने के बाद आज सुबह बाकी शव आएंगे गांव। गांव में पसरा मातम। जयपुर में आज से इंडस्ट्रियल मीट शुरू। जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, अलवर और भिवाड़ी के उद्यमी जयपुर में उद्योग विभाग के अधिकारियों से अपनी समस्याओं, मांगों, सुझावों पर करेंगे चर्चा। नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के बाद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी। चीन, जापान, श्रीलंका, कंबोडिया से आ रहे हैं लोग। राजस्थान के सीकर में ATM कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्राहकों को बातों में लगाकर और ATM खराब कहकर कार्ड बदल लेते थे। गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी नहीं करने पर यूपी सरकार के कदम के खिलाफ आज किसान यूनियन हाईवे करेगा जाम। जिला प्रशासन ने अलर्ट रहने के दिए निर्देश। यूपी के हमीरपुर में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला। 5 साल की मासूम से बलात्कार करने वाला भी नाबालिग। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में 2 मुंह वाला सांप दिखा। वन विभाग के अधिकारियों ने सांप को जंगल से पकड़ा।
यूपी के कोतवाल के एक बुजुर्ग से की गई बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोतवाल साहब एक शख्स को थप्पड़ मारते दिखे। यूपी के ललितपुर में छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में एक युवक की पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। स्कूल जा रही छात्रा को छेड़ता था युवक। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारी में जुटी छत्तीसगढ़ सरकार। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज अहम बैठक। अधिकारियों से तैयारियों को लेकर रिपोर्ट लेंगे मुख्यमंत्री। उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सेंगर पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली की 30,000 कोर्ट 16 दिसंबर को सुना सकती है फैसला। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया। बुधवार को सभी सांसदों को राज्यसभा में पूरे समय मौजूद रहने के लिए कहा गया। जब राज्यसभा में आएगा नागरिकता संशोधन बिल तो सपा करेगी इस बिल का विरोध। लखनऊ के हजरतगंज के शालीमार ग्रैंड अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल पर सर्वेंट क्वार्टर में लगी आग। दमकल विभाग ने हाइड्रोलिक मशीन से आग पर पाया काबू। अलमीरा और कई घरेलू सामान जलकर राख। आगरा के युवक को ट्रेन के सफर में पबजी खेलते हुए पानी पीना पड़ा महंगा। पानी की जगह केमिकल पीने से स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में हुई युवक की मौत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रफ्तार का कहर। बाइक सवार 3 युवकों को ट्रक ने मारी टक्कर। 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत। लखनऊ में दूध से भरा वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया। देर तक वाहन में ही फंसे रहे ड्राइवर और दूसरे लोग पुलिस ने निकाला बाहर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के डीएम कार्यालय में बनाया गया कपड़ा बैंक। कर्मचारी अपने पुराने कपड़े करेंगे दान। जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाएंगे कपड़े। उत्तर प्रदेश के बांदा में पेट्रोल पंप पर घड़ी और ज्वेलरी व्यवसायी की स्कॉर्पियो गाड़ी से लाइसेंस रिवॉल्वर और जरूरी कागजात चोरी। सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। 60 साल से रेत खा रही है वाराणसी की बूढ़ी महिला। कभी नहीं पड़ी बीमार। कुष्मावती 15 साल की उम्र से लगातार खा रही है बालू। यूपी के गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में 5 मंजिला इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। आग पर पाया गया काबू। नोएडा में अंतरिक्ष केन बॉल सोसाइटी पर 3.28 करोड़ का जुर्माना। जल प्रदूषण फैलाने पर सोसाइटी पर लगा जुर्माना। यूपीपीसीबी और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की संयुक्त कार्रवाई। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद कार्यक्रम में हुए शामिल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। 8 दिसंबर को बिहार के सिवान स्टेशन में पति की हत्या के मामले में चौंकाने वाला मोड़। गोद में पति का सिर रख कर रोने वाली पत्नी और बॉयफ्रेंड निकला हत्या का आरोपी। कहीं और शादी होने पर पति का कत्ल कराने का आरोप। बिहार के भागलपुर में छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ा महंगा। कॉलेज प्रशासन ने प्रदर्शन करने वाले 2 छात्रों को निकाला। मध्य प्रदेश के दुर्ग में रिहायशी मकान में स्प्रीट से अवैध शराब बनाए जाने के गोरख धंधे का हुआ खुलासा। 40 लीटर स्प्रीट और 70 लीटर अवैध शराब बरामद। 2 गिरफ्तार। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री कमलनाथ पर यूरिया को लेकर हमला। दूसरे पर ठीकरा नहीं फोड़ने की नसीहत। किसानों को यूरिया की भारी किल्लत। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत अभी भी बरकरार। अशोकनगर में लगी 1 किलोमीटर लंबी लाइन तो विदिशा में किसानों ने ट्रक से लूट लिया यूरिया। भोपाल में किसानों ने किया कृषि मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के रायपुर के उरला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। फिलहाल आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। जन अधिकार कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों की समस्याएं सुनेंगे सीएम कमलनाथ। कलेक्टर एसपी और कमिश्नर समेत आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। छिंदवाड़ा के मास्टर प्लान को लेकर अधिकारियों से करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में अगवा कर जंगल में युवती से गैंगरेप। गला दबाकर हत्या की भी की गई कोशिश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। भरतपुर के कामा में जंगल में पेड़ से लटका मिला 21 साल की महिला का शव। 10 के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप। तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के झुंझुनू में दर्जन भर से अधिक बच्चों से कुकर्म करने का आरोपी टीचर गिरफ्तार। स्कूल प्रबंधन ने ही दी थी पुलिस को जानकारी। राजस्थान में बीजेपी ने शुरू की पंचायती राज चुनाव की तैयारी। सभी 33 जिलों में प्रचार में लगाए गए प्रभारी और सह प्रभारी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया के आदेश पर हुई नियुक्तियां।
देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी तरफ खींचने वाला राजस्थान में हो सकती है शराबबंदी। 5 आबकारी अधिकारियों का दल ड्राई स्टेट बिहार में शराबबंदी की स्थिति का करेगा अध्ययन। राजस्थान के दौसा में मासूम से दरिंदगी, पेड़ से बांध कर की पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, अमरूद चुराने के आरोप में मासूम को दी सजा। चूरू तक पहुंची पानीपत की चौथी जंग, विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, सुजानगढ़ में जाट समाज ने किया सड़कों पर प्रदर्शन, फिल्म बैन करने की मांग, निर्देशक का फूंका पुतला। राजस्थान के राजसमंद में हुआ रिश्तों का कत्ल, धारदार हथियार से बेटे ने की पिता की हत्या, आरोपी बेटा फरार, जांच में जुटी पुलिस, आरोपी की तलाश में जुटी दिवेर थाना पुलिस। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एम्बुलेंस कर्मी की बड़ी लापरवाही, ढलान पर खड़ी एम्बुलेंस नहर में गिरी, खाली होने के चलते टला बड़ा हादसा, क्रेन की मदद से निकाला बाहर। जयपुर के शिवदासपुरा में एटीएम लूटने की कोशिश, सायरन बजने के बाद फरार हुए चोर, एटीएम में थे 3 लाख रुपए। राजस्थान में शराबबंदी पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, कहा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है नशा, प्रदेश में हर तरीके के नशे पर लगे रोक। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों को संरक्षण देगी सरकार, सीएम के निर्देशों पर परिपत्र हुआ जारी, परिवादियों का नहीं रोका जाएगा काम। आंध्र प्रदेश के तिरुमला के शाचा चलम जंगल से शहर के पुरोहित संघ के कार्यालय पहुंच गया 12 फीट का अजगर, स्नेक कैचर भास्कर नायडू ने वापस जंगल में छोड़ा। तमिलनाडु की 26 साल की महिला करीब 12 साल बाद अपनी मां से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मिली, स्कूल नहीं जाने के कारण परिवार वालों की डांट सुनकर घर से भाग गई थी महिला। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करों ने उसे 500 रुपए में तमिलनाडु की महिला को गोद दिया था। ओडिशा में बनाया गया अनोखा बोट एम्बुलेंस, जल मार्ग के रास्ते लोगों को जल्दी पहुंचाएगा हॉस्पिटल, 108 नंबर होगा उपलब्ध। कोलकाता एटीएम कांड में रोमानियन नागरिक सिलिवियो फ्लोरिन स्पिरिडॉन से पूछताछ में एक और रोमानियाई नागरिक का नाम आया सामने, दिल्ली के रोहिणी जेल में बंद है दूसरा रोमानियाई नागरिक। कोल्हापुर में एक सांप को दूसरे सांप के खाने का वीडियो हुआ वायरल, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हरीश कुलकर्णी ने कैमरे में कैद की तस्वीर। महाराष्ट्र के अकोला कृषि विश्वविद्यालय में खाकी रंग का कपास किया गया विकसित, पहले केवल सफेद होता था कपास, केमिकल का इस्तेमाल नहीं होने से नहीं होगी एलर्जी। राजस्थान के पोखरण में सेना ने दिखाई ताकत, M777 आर्टिलरी होविटजर से एक्स कैलिबर गोले किए गए फायर, पाकिस्तान पर पड़ेगा भारी। साइकिल पर गश्त करेगी गुरुग्राम पुलिस, संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर भी होगी पुलिस की पैनी नजर, पुलिस थानों को 2 साइकिलों के साथ हेलमेट भी किए गए वितरित। स्टॉकहोम में कार्यक्रम में दिए गए नोबेल प्राइज, मेडिसिन फिजिक्स केमिस्ट्री लिटरेचर और इकोनॉमिक साइंसेज के नोबेल प्राइज दिए गए। मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को 2 रुपए में शुद्ध पानी की सर्विस हुई बंद, 15 रुपए में रेल नीर की जग है, लोग पसंद कर रहे थे 8 रुपए लीटर वाला आरओ वाटर। IRCTC वेंडरों के जरिए चलाती थी पानी के कियोस्क, यात्री महंगी बोतल खरीदने को मजबूर। दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक कार्तिकेय दीपम इस साल 10-11 दिसंबर को मनाया जा रहा है, तमिलनाडु केरल में दीपावली की तरह मनाया जाता है पर्व। दीपम पर पूरा दक्षिण भारत दीपों से सजता है, घर घर में सुबह सुबह कोलम यानी रंगोली बनती है, शाम में मिट्टी के दीप जलाकर लोग मनाते हैं उत्सव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव करेंगे गजवेल विधानसभा क्षेत्र का दौरा, तेलंगाना फॉरेस्ट कॉलेज और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का करेंगे उद्घाटन। तमिलनाडु में होने जा रहे निकाय चुनाव में SC/ST आरक्षण बड़ा मुद्दा बना, DMK और कांग्रेस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सज्जनार आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं पेश, एनकाउंटर में मारे गए 4 आरोपियों पर होगी सुनवाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी पेश करेगा अपनी जांच रिपोर्ट। दिशा बलात्कार हत्या मामलों में एनकाउंटर में मारे गए 4 लोगों के शव महबूबनगर जिला अस्पताल से गांधी अस्पताल किया गया शिफ्ट, सुनवाई के लिए 13 दिसंबर तक शवों को रखना है सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट शुक्रवार को करेगा सबरीमाला मामले की सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ मामले की करेगी सुनवाई। अमेरिका के न्यूजर्सी में करीब घंटे भर चली फायरिंग में पुलिस अधिकारी समेत 6 लोगों की मौत, 2 पुलिस अधिकारी घायल। कश्मीर में लोगों की मौलिक स्वतंत्रता पर लगे प्रतिबंधों को लेकर यूएन चिंतित। यूएन ने घाटी में संचार माध्यमों और जरूरी सेवाओं को बहाल करने की अपील। पाकिस्तान के खिलाफ बलूच लोगों ने ब्रिटेन के लंदन और दक्षिण कोरिया के बुसान में किया प्रदर्शन। मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बलूच रिपब्लिकन पार्टी और बलूच रिपब्लिकन छात्र संगठनों ने किया विरोध। एस्टोनिया की राजधानी तालिन में लैटन फेस्टिवल का आयोजन। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया शहर, कहीं पांडा तो कहीं ड्रैगन, कई जगह असली लगने वाले डायनासोर दिखे। आईसीसी के चेयरमैन का कार्यकाल 2020 में हो रहा है खत्म। शशांक मनोहर ने कहा जून 2020 के बाद वे चेयरमैन पद पर नहीं रहना चाहते। साउथ एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारतीय खिलाड़ियों ने 300 मेडल का आंकड़ा किया पार। पहलवानों और टेनिस खिलाड़ियों ने किया क्लीन स्वीप। वसीम जाफर ने रणजी ट्रॉफी में छुआ एक और मुकाम। 150 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने जाफर। आंध्र प्रदेश के खिलाफ हासिल की उपलब्धि। पाकिस्तान के पूर्व ओपनर नासिर जमशेद ने कबूली फिक्सिंग करने की बात। पाकिस्तान सुपर लीग में की फिक्सिंग, फरवरी में सुनाई जाएगी सजा। चंडीगढ़ क्रिकेट टीम के बल्लेबाज अरसलन खान ने रणजी के डेब्यू मैच में जड़ा दोहरा शतक। अरुणाचल के खिलाफ खेली 233 रन की पारी। 2000 के नोट बंद करने की अफवाह पर बोले वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, फिलहाल नोट बंद करने का कोई इरादा नहीं। रेलवे का किराया फरवरी से आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। रेल मंत्रालय किराया बढ़ाने की कर रही है तैयारी। साल 2020 के फरवरी से बढ़ सकता है किराया। केंद्र सरकार के पास देश और विदेश में काले धन का कोई आंकड़ा नहीं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का राज्यसभा में लिखित जवाब। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का विनिवेश करेगी केंद्र सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में दिया जवाब। सरकार ने विनिवेश को दी मंजूरी। पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री अमित मित्रा का केंद्र सरकार पर निशाना। मांगे जीएसटी और आयकर के बकाया 2200 करोड़ रुपए। 18 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी उठाएंगे मुद्दा। आपकी टेक होम सैलरी जल्द बढ़ सकती है। सरकार के नए बिल को मंजूरी के बाद आ जाएगा कानून। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुस्ती के बीच सरकार ने दिया भरोसा। भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सेक्टर में नहीं जाएगी किसी की नौकरी।